हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सेडिशन क्या होता है। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह, देशद्रोह नहीं होता है इसका मतलब। इसलिए मैं आपको शुरू में ही समझाता चलूं कि इसका मतलब देशद्रोह नहीं होता है, क्योंकि ये जो राजद्रोह है यानी सेडिशन है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई बंदा अगर किसी सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ अगर किसी को उकसाता है अपने स्पीच के जरिए या अपने राइटिंग कुछ लिख करके, कहीं पे भी सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं पे भी कुछ लिखी हुई बातों को लेकर के, या अपने बिहेवियर से सरकार के खिलाफ अगर किसी को उकसाता है या आंदोलन करने के लिए कहता है, तो वो चीज राजद्रोह होगा। यानी वो देशद्रोह नहीं हो सकता है, वो राजद्रोह होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि सेडिशन का मतलब देशद्रोह नहीं है, राजद्रोह है। ठीक है, अब ये जो राजद्रोह है इसका भी बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हिसाब से पेपर में ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। कल जो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, इसमें लगभग 30 बार ये वर्ड यूज हुआ है। 30 टाइम्स इसमें इन्होंने कहा, लाइक सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, सेडिशन लॉ इज मिसयूज टू फिक्स्ड पर्सन हु स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस एनवी रामाना। ठीक है, दिस लॉ इज रियली मिसयूज्ड एंड इट इज यूज्ड टू डाउज आउटरेज, दिस लॉ इज यूज्ड टू सब्जुगेट द पीपल, दिस लॉ इज यूज्ड टू क्वेल डिसेंट, This law is used to punish any form of dissent. This law is used to implicate opposition and silence them. This law is used against rivals. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप sedition का मतलब समझ गए होंगे। Sedition का मतलब समझने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये कानून अभी भी हमारे देश में रहना चाहिए या इसको एबॉलिश कर देना चाहिए, जिस तरीके से बनाने वालों ने यानी अंग्रेज ने इसको अपने देश में ख़त्म कर दिया है, तो क्या हमारे देश में भी ये कानून ख़त्म होना चाहिए या नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और फिर जाते जाते मैं कहता चाहूँ कि अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बगल में एक बेल आइकन है आप उसे भी दबाते चलिए, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।